Hello students and welcome to PUSA classes. In today's video, we will continue class 12th ke chapter 8, Human Health and Diseases. Our video ka topic is AIDS. AIDS is a disease which if someone gets hit, it will live lifelong. And now, it has no permanent cure. And worldwide, this disease almost every part of the world mein fail chuki hai. So, देखते हैं कि ये डिजीज किसकी वजह से होती है, कैसे ये फैलती है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हो जाए तो क्या हो सकता है, ये सब जो चीज है हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे. The word AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. तो MCQs के अंदर आपकी इसकी फुल फॉर्म या फिर डायरेक्टली भी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. इसका मतलब है, ये जो इसका नाम है इसी से इसका मतलब मिल जाता है, दैट इम्यून जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है ऑफ इम्यून सिस्टम व्हिच एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटेड दैट इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज. एक्वायर्ड मतलब कि इस डिजीज को लेकर कोई पैदा नहीं होता है, ये पैदा होने के बाद ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम हमें हो सकती है. अब क्यों हो सकती है वो हम अभी आगे देखेंगे. जो सिंड्रोम है उसका मतलब होता है सेट्स ऑफ सिम्टम्स. कुछ सिम्टम्स जो होते हैं जो पर्टिकुलर एक साथ जब हम उनको कलेक्टिवली बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम. एड्स जो है सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था इन द ईयर 1981 एंड लास्ट 25 इयर्स में इट इज नाउ स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपल. एड्स जो है वो जिसकी वजह से होता है वो है वायरस. उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस. सो HIV जो है वो वायरस का नाम है. अब इसमें जो ये वायरस है इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, इट इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड एज रेट्रो वायरस. तो ये भी MCQs में आ सकता है कि HIV जो है वो किस वायरस के ग्रुप के अंदर आता है, तो वो रेट्रो वायरस में आता है. रेट्रो वायरस का मतलब है दैट जो इसका जेनेटिक मटीरियल है वो एक्चुअली में RNA है. RNA जीनोम इज एनक्लोज्ड बाय द प्रोटीन्स. तो हमारा हमें पता है कि जो वायरस होता है उसके अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं होती है एक नॉर्मल सेल की तरह. इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, वन इज द जेनेटिक मटेरियल एंड अनदर वन इज द प्रोटीन कोड जो उसको कवर किए हुए होता है जेनेटिक मटेरियल को. अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है. तो ये HIV वाला जो केस है इसके अंदर जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA. अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये जो डिजीज है ये एक जने से दूसरे जने में कैसे फैलेगी. सो देयर आर सर्टेन कॉजेस. फर्स्ट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो ये हमेशा याद रखना है कि जब आप ये लिखेंगे तो उसमें इन्फेक्टेड पर्सन जरूर लिखेंगे. एक नॉर्मल पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन को एड्स नहीं फैलेगा, ऑब्वियसली एक इन्फेक्टेड पर्सन से ही एक नॉर्मल पर्सन को ये डिजीज हो सकती है. सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को एड्स है और अगर उसका किसी दूसरे बंदे के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रहता है देन देयर आर चांसेस एंड इट इज डेफिनेटली कि वो जो बंदा है वो नॉर्मल बंदे को भी एड्स डिजीज कॉज करा सकता है. सेकंड, बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड. अगेन यहाँ पर अब आएगा कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब पूरा ब्लड या फिर उसके अंदर से प्लेटलेट्स वगैरह कुछ भी चीज. तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जिसको एड्स है अगर उसका ब्लड किसी दूसरे जने को चढ़ाया जाए नॉर्मल जने को तो उसको भी एड्स हो जाएगा. थर्ड इज बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स. तो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स इसके बारे में हमने पहले भी इस वीडियो में बात की हुई है. तो इंट्रावीनस ड्रग्स क्या होती है, वो वाली ड्रग्स जो इंजेक्शन के थ्रू कोई लेता है. तो अगर कोई 4-5 लोग बैठे और उनमें से किसी को एड्स है, दे आर टेकिंग इंट्रावीनसली ड्रग्स सेम इंजेक्शन से, तो जो जो बंदा वो इंजेक्शन लगाएगा उन सबको ही एड्स हो सकता है. एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. ऑब्वियसली जो बच्चा होता है पेट के अंदर उसको जो न्यूट्रिशन है, जो उसका ब्लड है वो उसको मदर वाला ही मिलता है. तो अगर मदर को एड्स है देन उसके बच्चे को एड्स हो सकती है. सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स. अब ठीक है ये सब चीजें हैं, बट कौन से वो कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जिनको ये वाली चीजें होने का ज्यादा चांसेस है. सो दोज इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स.
मतलब उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसके साथ बनाया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या क्या उसको डिजीज है या नहीं है. सो दोस पीपल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, द ग्रेटर चांसेस कि उनको जो है एड्स होने के चांसेस उनके ज्यादा है, या फिर कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ड्रग एडिक्ट्स हु टेक्स ड्रग इंट्रावीनसली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड चिल्ड्रंस हु बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर. तो ऑब्वियसली ये वो पीपल है, वो कैटेगरी है लोगों की जिनको ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. HIV AIDS इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट, किसी के साथ हैंड शेक कर लेना या किसी को हग कर लेना या कुछ भी, मियर जस्ट नॉर्मल फिजिकल कॉन्टेक्ट से बीमारी नहीं फैलती है. इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स. जब बॉडी के फ्लूइड्स एक्सचेंज होंगे ना, जितने भी अभी हमने ऊपर बात की है वहां पे बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तब ये बीमारी फैलती है, ऐसे ही नहीं फैलती है. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दैट देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इंफेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. सपोज किसी ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ये वायरस आ गया है, देन जिस दिन वो वायरस आया उससे लेकर जब उसको खुद इस डिजीज के सिम्टम्स आएंगे उसके बीच में जो है टाइम पीरियड होता है, एंड दिस टाइम पीरियड कैन रेंज फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू यूजुअली 5 to 10 years. मतलब कि किसी को एड्स हो भी सकता है और 5 से 10 साल उसको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, और अगर उसको सिम्टम्स नहीं आएंगे उसको पता नहीं चलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर बंदा जो है दूसरे बंदे को भी ये बीमारी स्प्रेड दे सकता है. ऑब्वियसली चांसेस आर देयर. सो ये जो है यहाँ पर एक और खतरनाक सी, मतलब एक फैक्टर सा बन जाता है कि इस बीमारी से आप इन्फेक्टेड भी है एंड स्टिल यू डोंट नो एंड यू कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग दिस डिजीज बाय एक्सचेंजिंग द बॉडी फ्लूइड्स. नाउ ओके, इससे पहले हम एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. इसमें आपको पेपर के अंदर इसमें किसी प्रोसेस को सिर्फ यहाँ पे खाली करके, सपोज यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है ए, यहाँ पे लिख दिया बी, नाउ कंप्लीट दिस डायग्राम, या फिर ये आपसे डायग्राम बनाने के लिए ही कह दे. सो एक्चुअली मैं इसमें पूरी ही प्रोसेस बता रखी है और इससे आपको इजिली समझ में आ जाएगा. रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस है मीन्स वायरस जिसका जेनेटिक मटीरियल है RNA. ओके, उसके अंदर वायरल RNA कोर है. ऑब्वियसली उसकी कोर में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA. नाउ दिस वायरस इन्फेक्ट अ नॉर्मल सेल. जब वो बॉडी में जाएगा तो वो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा. ओके, सो दिस इज वायरस एंड दिस, ये जो यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, दिस बॉक्स इज एक्चुअली द नॉर्मल सेल उन्होंने दिखा रखा है. ठीक है, जैसे ही अंदर जाता है तो क्या है कि जो प्रोटीन कोट है उसका, ये जो बाहर का प्रोटीन कोट है ये तो बाहर ही रह जाता है, ये अंदर नहीं जाता. अंदर जो जाता है वो जाता है वायरल RNA. वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल. वहां जाने के बाद क्या होता है, हमें पता है सेंट्रल डॉग्मा कहता है दैट DNA जो है वो बनता है RNA, RNA जो है वो आगे बनाता है प्रोटीन्स. ओके, सो फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिसमें DNA से RNA बनता है, एंड RNA से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में. तो अगर किसी चीज को RNA से DNA बनाना है तो वो प्रोसेस होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पर जो वायरल DNA है वो बनता है बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. हमें पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो है DNA, और जो ये वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है RNA. तो अगर इसको अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट करना है तो इसको अपने RNA जेनेटिक मटेरियल को DNA बनाना होगा, और वो ये बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पर जो अभी तक RNA चल रहा था, नाउ इट बिकम्स वायरल DNA. अब यहाँ पर आगे वायरल DNA ही लिखा है उन्होंने. वायरल DNA नाउ इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम. तो हमारे सेल के अंदर जो हमारा DNA है उसके साथ आकर ये जो है मिल जाता है. नाउ द न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल. अब हमारा DNA भी तो आगे जाके RNA बनाएगा, तो हमारे DNA के साथ जब वायरस वाला DNA आ गया है तो जब हमारा RNA बनेगा तो उसके साथ वायरस वाला RNA भी जो है वो भी ट्रांसक्रिप्ट होगा, एंड नाउ दे फॉर्म इन्फेक्टेड सेल. न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली. ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये न्यू RNA
इन्फेक्टेड आरएनए जो है प्रोड्यूस करता रहेगा एंड न्यू वायरस कैन नाउ इफेक्ट अदर सेल्स. अब ये वहां से निकलकर जो बाकी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है. इन्होंने यहाँ पे एक नोट करके लाइन लिखी है दैट इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल द वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड. उसके अंदर वायरस अगर आ भी गया सेल के अंदर तो वो वायरस जो है उस सेल को नहीं मारता, बल्कि वायरस जो है अपने और जो प्रोडक्ट्स है और अपनी जैसे रेप्लिका जो है वो उसके साथ क्रिएट करवाता रहता है. यही प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है. अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन बताइए क्या हो रहा है. सो द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म द वायरल डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. वही जो अभी हमने बात कही ऊपर. Now this viral DNA gets incorporated into the host cell DNA and directs this infected cell to produce virus particles. अब जब वो हमारे DNA के साथ मिल गया है तो वो अब आगे सेल से क्या बनवाएगा, वायरस वाले पार्टिकल्स बनवाएगा. ये जो मैक्रोफेजेस हैं, they continue to produce virus in the way act as like a HIV machine. यहाँ पर ऊपर पहले ही लिखा है कि वो मैक्रोफेजेस में जाकर इन्फेक्ट करेगा. अब ये मैक्रोफेजेस जो है ये एक्चुअली में क्या बन गए, फैक्ट्री बन गए हैं और ये अब क्या प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, ये आगे वायरसेस को प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं. साइमल्टेनियसली नाउ एचआईवी वायरस एंटर्स इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स जो हेल्पर वाले हैं उनके अंदर अब ये जाके इनकॉर्पोरेट करेगा, वहां जाके रेप्लीकेट करेगा और अगेन प्रोड्यूस करेगा अपनी प्रोजेनी वायरसेस को. नाउ दिस प्रोजेनी वायरस रिलीज इनटू द ब्लड एंड अटैक द अदर टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स. तो ये क्या है, एक टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स में गया, वहां रेप्लिकेट किया, अपने जैसा एक और वायरस बनवाया, वो वायरस वहां से निकला, वो अगेन दूसरे टी हेल्पर सेल्स में जाएगा एंड सो ऑन. ये सारे टी हेल्पर सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करते रहेंगे. दिस इज रिपीट लीडिंग टू प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. तो इससे क्या हो रहा है कि जो एक नॉर्मल इंसान था जिसकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स थे, अब जब वो इन्फेक्टेड हो गया है तो उसकी बॉडी के अंदर टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है उनका नंबर कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बोथ्स ऑफ फीवर्स डायरिया एंड वेट लॉस. तो जो उसके प्राइमरी सिम्टम्स जो आने शुरू हो सकते हैं उसमें क्या है, बुखार हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा और वेट लॉस जो है वो दिखने लगेगा. Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria. ओके, तो वो कह रहा है कि अब जिस बंदे में ये इन्फेक्शन आ गया है, जो बंदा इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, अब उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो गया है. तो अगर कोई नॉर्मल बीमारी अगर उसको होती जो कि ठीक हो जाती, अब वो उसकी नॉर्मली तो बॉडी ठीक नहीं कर पा रही है. द पेशेंट बिकम सो इम्यून डेफिशिएंट दैट ही एंड शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस. अब अगेन एक और MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है. तो उसका नाम है एलाइजा, जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे. ट्रीटमेंट कैसे होता है अगर किसी को एड्स हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, बाय गिविंग द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग. रेट्रोवायरल जिनका जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देकर इनका जो है ट्रीटमेंट कराया जाता है. और इस ट्रीटमेंट से दे कैन ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ विच इज इनएविटेबल. मतलब अगर किसी को होगी तो उसकी डेथ तो होगी ही होगी, बट अगर वो दवाई ले रहा है जितनी जल्दी पता लग गया तो उससे बस वो जो लाइफ स्पैन है ना वो थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली सही रहेगा, लंबा रहेगा. अब इट इज बेटर टू प्रिवेंट सच डिजीज फ्रॉम हैविंग, किसी को एक डिजीज हो उससे बेटर है वो उसको फर्स्ट गो में प्रिवेंट ही करे. सो एड्स हैज नो क्योर एज हमने ऊपर अभी पढ़ा, सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके, अब ये इन्होंने जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे एक और लिखी है दैट एचआईवी इन्फेक्शन जो है ना इट स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस एक्सीडेंटली. मतलब ये नहीं किसी को कि छींक हो रही है और उसकी छींक से हमने हमार को हो गई. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू दिस डिजीज. तो हम कह सकते हैं कि हम कॉन्शियस हैं कि हमें अगर कोई बंदा मल्टीपल पार्टनर्स रखता है, सेक्सुअल पार्टनर्स, देन ऑब्वियसली द ग्रेटर चांसेस कि उसको एड्स हो सकता है. सो इट इज बेटर कि वो खुद ही
मल्टीपल पार्टनर्स ना रखे या फिर जो है प्रोटेक्टेड वे में सेक्स करे, कॉन्डम्स ऐसे बैरियर मेथड्स का यूज करे, क्योंकि बॉडीली फ्लूइड्स एक्सचेंज होंगे तो ये डिजीज होगी. सो ही और शी नीड्स टू मेक श्योर दैट ऐसे केसेस में बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज ना हो. दूसरा, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये हो सकता है, तो वो पेशेंट्स जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो इट इज बेटर कि जो भी ब्लड वो अपने अंदर ले डलवा रहे हैं या फिर किसी पेशेंट से जस्ट किसी ने अगर लिया है तो उनको पता हो कि हाँ इसको एड्स नहीं है, या इट इज बेटर कि वो उसको चेक करवा ले. और हॉस्पिटल्स भी जो है वो इस चीज का ध्यान रखे कि जिनसे भी वो ब्लड लेकर ब्लड बैंक में रख रहे हैं वो सारे जो है HIV नेगेटिव हो. तीसरा इसमें जो है वही इंट्रावीनसली ड्रग्स, तो हमें पहली बात तो ड्रग्स के जैसी चीजों में फंसना ही नहीं चाहिए. एंड अगर ऐसा होता है तो हमें इंजेक्शंस जो है वो किसी और वाले जिसने यूज करा है उसका नहीं लगाना चाहिए, या हम कहीं हॉस्पिटल्स या ऐसी जगह पर जाके इंजेक्शन लगा रहे तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो एवरी टाइम जो है न्यू इंजेक्शन यूज करे और किसी और का लगाया हुआ इंजेक्शन ही हमारे बॉडी में ना लगाए. इससे सिर्फ एड्स नहीं, मल्टीपल डिजीजेस जो कि ऐसे बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से हो सकती हैं, हम उनसे बच सकते हैं. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO एंड अदर NGOs आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स. कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या सिम्टम्स है, आगे क्या हो सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब चीजें. बिकॉज हमने ऊपर ही पढ़ा है दैट एड्स हैज नो क्योर, तो इट इज बेटर कि ऐसी चीज से दूर ही रहा जाए. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infections, like making blood safe from HIV by ensuring the use of disposable needles, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkups of HIV in susceptible populations. जिनमें डाउट है कि इनके अंदर HIV होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पर रेगुलर HIV चेकअप होता रहे. So infection with HIV or having AIDS is something we should not be hidden, because अगर ये किसी और को हमारी वजह से हो जाए, हमें पता है कि अगर किसी को सपोज किसी को पता है कि उसको एड्स है और उसकी बॉडी वो अगर किसी को ब्लड दे रहा है या फिर कोई उसे जबरदस्ती कह रहे कि आप ब्लड डोनेट करें और वो शर्मा शर्मी में अगर कर देता है तो एक्चुअली में वो गुड से ज्यादा हार्म कर रहा है. सो अगर किसी को ऐसी जानलेवा बीमारी है देन उसको इस चीज को तो एटलीस्ट छुपाना नहीं चाहिए. Since then, the infection may spread to many more people. HIV/AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society. अब अगर किसी को ये डिजीज हो गई तो obviously उसको ऐसे तो नहीं करना चाहिए कि जैसे वो पता नहीं क्या लेके अपने साथ घूम रहा है कि वो जहां जहां जाएगा वो ये डिजीज फैला देगा. ऐसा नहीं है, ये डिजीज सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से होती है. सो ऐसे इंसान जिसको अगर एड्स है उसके बॉडी फ्लूइड्स को एक्सचेंज होने से रोकना चाहिए या उस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि उसको बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया जाए. तो इस वीडियो के अंदर हमने करी है एड्स की बात. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कैंसर.